आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। इंडिया 50 में देश दुनिया की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। कल हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में कहा कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात के समय कर दिया गया। परिजनों ने आगे जांच में फंसाए जाने की आशंका के साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। लखनऊ से देर रात पीड़ित परिवार हाथरस लौट आया है। परिवार ने कहा कि न्याय मिलने तक वो बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। हाथरस में सीबीआई टीम आज गांव जा रही है। जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। एक टीम परिवार वालों के संपर्क में है, जबकि दूसरी आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। मथुरा से गिरफ्तार किए गए पीएफआई के 4 सदस्यों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने चारों की कस्टडी के लिए सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी है। चारों आरोपी अभी जेल में हैं। सीजीएम की अनुमति मिलने के बाद ईडी चारों से पूछताछ करेगी और जातीय हिंसा के लिए की गई फंडिंग का पता लगाएगी। करौली में पुजारी की हत्या के मामले में जांच सीबीसीआईडी ने शुरू कर दी है। सीबीसीआईडी की जांच टीम विकास शर्मा के नेतृत्व में बुकना गांव पहुंची। माना जा रहा है कि यह टीम पुजारी के परिवार और गवाहों के बयान भी दर्ज कर सकती है। सीबीसीआईडी ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया है। चीन ने गोफेन 13 सैटेलाइट लॉन्च की है। ये सैटेलाइट F-32 जैसी स्टील्थ विमानों को पकड़ लेगा। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है। ये चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जो कि आसमान से ही दुनिया भर में नजर रखेगा। इसे सिचुआन प्रांत से लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि चीन अगले कुछ दिन में दर्जन भर और सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन मिशन के तहत तनाव की स्थिति बनाए रखना चाहता है। वो अब पाकिस्तान वाली हरकत कर रहा है। लद्दाख के चुशूल में भारत चीन के बीच में 7वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत हुई। ये मीटिंग करीब 8.5 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों सैनिकों की संख्या कम करने को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ है। सीएम नीतीश कुमार आज 4 जिलों की 13 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। तेज प्रताप के साथ तेजस्वी यादव आज रोसड़ा से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। हसनपुरा से पर्चा भरने के बाद रैली होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी की 6 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी भी 2 रैलियां यहां पर करेंगी। 8 वर्चुअल रैली की तैयारी में कांग्रेस है। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 816 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 1,09,000 के पार है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में किसानों के ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 3 राजधानी बनाने के फैसले के खिलाफ फिर से विरोध मार्च निकाला। आंदोलन के 300 दिन पूरे होने पर कार्यकर्ताओं ने जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिले की मांग को लेकर एबीवीपी ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जब छात्रों को रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में संघर्ष देखने को मिला। पंजाब के संगरूर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने एक बड़ी रैली की, जिसमें की महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी नेता और पूर्व मेयर योगेंद्र चंदोलिया ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज की। बीजेपी नेता अतिक्रमण के आरोप पर स्कूटी उठाने से भड़क गए थे। पुलिस ने आरोपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। होशियारपुर में कृषि कानून के विरोध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की कार पर अज्ञात हमलावरों ने पत्थर से हमला किया, जिसमें कार के पीछे का शीशा चकनाचूर हो गया। बंगाल में सिख व्यक्ति के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ जयपुर में सिख समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के पीलीभीत में नाबालिग लड़की का नहाते वक्त वीडियो बनाकर वायरल करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीतापुर में करंट लगने से हुई 3 लोगों की मौत के विरोध में घरवालों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां पर प्रेमी जोड़े की चाचा और भाई ने पहले जहर पिलाकर हत्या कर दी और दोनों के शवों को जला दिया। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ, पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के बक्सर में एक महिला के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। महिला के साथ 7 लोगों ने गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, उसके बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने 1 आरोपी गिरफ्तार किया है, बाकी अभी भी फरार है।
पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज करके एक आरोपी की गिरफ्तारी की। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस तेजी से काम कर रही है। यूपी के भदोही में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब बस स्टैंड के पास ओवरब्रिज से डिवाइडर स्लैब नीचे गिर गया, जिसमें लोग बाल बाल बचे। बलिया में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, तीन लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। यूपी के बदायूं में मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार होते होते बची है। यहां पड़ोसी से मासूम बच्ची से रेप करने की कोशिश हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में शराब के नशे में कार सवार बाइक को टक्कर मारी गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेज दिया है। तेलंगाना में कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। दंपत्ति बाइक पर सवार थे, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं लड़की की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। यूपी में मुरादाबाद में एक सफाई कर्मचारी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे कि उसके शरीर में भयंकर आग लग गई। झुलसने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में मामूली सी बात पर दो भाइयों ने मिलकर ऑटो में आग लगा दी, जिससे कि ऑटो में सवार दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई, जिसके बाद अस्पताल से करीब 40 मरीजों को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोमवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 84 अंकों की बढ़त के साथ 40,593 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी करीब 17 अंकों की बढ़त देखी गई। वायदा बाजार में सोने की मांग में बढ़त के कारण सोने का भाव 183 रुपए बढ़कर 51,000 तक पहुंचा है प्रति 10 ग्राम कीमत। वहीं चांदी के दामों में 561 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। सितंबर में खाने पीने के दामों में खासी बढ़ोतरी हुई है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.34% पहुंच गई है। ये 8 महीने में अपने उच्चतम स्तर पर है। फूड एंड बेवरेज पेप्सिको अपना अब भारत में कारोबार बढ़ाने के विचार पर है। पेप्सिको यूपी के स्नैक्स यूनिट में निवेश को बढ़ाकर 814 करोड़ रुपए करने जा रही है, जिससे कि रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त तौर पर दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें ऑक्शन थ्योरी में सुधारों और नया ऑक्शन फॉर्मेट्स की खोजों के लिए दिया जाएगा। किर्गिस्तान में राष्ट्रपति के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद बिश्केक में आपातकाल लगा दिया गया। राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। लोगों के विरोध को देखते हुए सेना को तैनात किया गया। अमेरिका एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहा है, जिससे एक घंटे में दुनिया के किसी भी हिस्से में हथियार डिलीवरी हो सकती है। अमेरिका एक रॉकेट बना रहा है, जो कि 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा और ग्लोब मास्टर के बराबर वेट उठा लेगा। ब्रिटिश सिंगर ने शानदार अंदाज में दुबई में सूफी क्लासिकल सॉन्ग गाया। ये थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल है। मीका सिंह के सॉन्ग सावन में लग गई आग पर लड़कियों का डांस सोशल मीडिया पर वायरल है। फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं। पंजाबी सॉन्ग मोरनी बन के सोशल मीडिया पर जबरदस्त हिट है। इसे 40 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दिल्ली मुंबई की गुड़िया ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसे 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कब तक चुप बैठे सॉन्ग पर कपल का डांस पॉपुलर है, इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना।